नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज मनाया जा रहा धनतेरस, भगवान धनवंतरी की विशेष पूजा अर्चना। त्रिग्रही योग में करें भगवान धनवंतरी की आराधना। 25 नवंबर से शुरू होगा विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र की समाप्ति 29 नवंबर को राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना। बिहार की जड़ी बूटियों से रोजगार बढ़ेगा, 52 जड़ी बूटियों की बिक्री की योजना। औषधीय पौधों की ब्रांडिंग शुरू। बिहार बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन में सावधानी की दी चेतावनी। रजिस्ट्रेशन में अंग्रेजी वर्ण नहीं भरे, विलंब शुल्क वाले छात्रों के लिए निर्देश। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम, आधार कार्ड से जुड़ेगा जमीन का रिकॉर्ड। सुरक्षित रजिस्ट्री के लिए नया सॉफ्टवेयर। बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत योजना, दिवाली से पहले किसानों को अनुदान। कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से शुरू। 12 साल बाद अपने घर में हारी टीम इंडिया, धवन ने किया रोहित का समर्थन। आखिरी टेस्ट 1 नवम्बर को मुंबई में होगा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी यानी एमटी के 640 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2024 यानी आज से शुरू होकर 28 नवंबर 2024 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवारों को कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट kolindia.in पर आवेदन करना होगा। पात्रता के लिए अभ्यर्थियों के पास गेट परीक्षा का वैध स्कोर कार्ड और संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री में न्यूनतम 60% अंक होना आवश्यक है। अधिकतम आयु 30 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए छूट है। विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लिए पदों का विवरण भी प्रदान किया गया है। आवेदन के लिए सभी विवरणों की पुष्टि करना अनिवार्य है। इसके लिए आप कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। धनतेरस का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल 29 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान धनवंतरी का अवतरण समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, इसलिए उनकी आराधना भी की जाती है। इस साल विशेष रूप से 100 वर्षों बाद त्रिग्रही योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है, जो भगवान धनवंतरी की पूजा के लिए लाभकारी है। आज के दिन सोने चांदी के आभूषण के अलावा साबुत, धनिया, झाड़ू, श्री यंत्र या कुबेर यंत्र, वाहन या जमीन की खरीदारी अत्यंत शुभ मानी जाती है। आप धनतेरस पर आज क्या खरीदने जा रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री को सुरक्षित बनाने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत जमीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा। अब बिना आधार लिंक के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी, जिससे फर्जीवाड़े की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। विक्रेता को अपनी जमाबंदी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा, साथ ही खरीदार व गवाह का सत्यापन भी आवश्यक होगा। नया सिस्टम गो लाइव नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिससे बेनामी संपत्ति का पता लगाना भी आसान होगा। इसके अलावा ई मापी के अस्वीकृत आवेदनों की जांच रैंडम तरीके से की जाएगी। बिहार सरकार दिवाली से पहले सितंबर में आई बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने जा रही है। 19 जिलों के 92 प्रखंडों में 673 पंचायतों के किसानों ने आवेदन किए हैं। 6 अक्टूबर से अब तक 4.17 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 33% से अधिक फसल क्षति वाले किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देंगे, जिसमें वैकल्पिक फसलों का निःशुल्क बीज भी शामिल है। बाढ़ का पानी निकलने के साथ बची हुई फसलों पर कीट व्याधि लग रहे हैं, इससे निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता का आदेश दिया गया है। खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से किया जा रहा है। बिहार के 11 जिलों के जंगलों और पहाड़ों में पाई जाने वाली 52 प्रकार की जड़ी बूटियों की बिक्री की जाएगी, जिससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। राजगीर की जड़ी बूटियां प्रसिद्ध हैं, जहां वैद्य राजजीवक ने भगवान बुद्ध और राजा बिंबिसार की चिकित्सा की थी। वन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि नालंदा, नवादा और अन्य जिलों में औषधीय पौधों का सर्वेक्षण किया गया है। अब इनसे रोग उपचार वाले उत्पाद बनाकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व मार्केटिंग की जाएगी। पहले चरण में जंगली प्याज, सतमूली और हरमदा को शामिल किया जाएगा। बिहार की जड़ी बूटियों की ब्रांडिंग छत्तीसगढ़ के आधार पर की जाएगी।
लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा की हालत स्थिर है और उन्हें दिल्ली के एम्स में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इलाज की समुचित व्यवस्था के लिए बिहार के रेसिडेंट कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया पर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी साझा की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी उनके पुत्र से बात कर इलाज की स्थिति जानी। कई बिहार के नेता जैसे जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर और भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता एम्स जाकर शारदा सिन्हा की सेहत की जानकारी लेने पहुंचे। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 29 नवंबर तक होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इसकी अधिसूचना जारी की है। पहले दिन शोक प्रकट करने की रस्म होगी, जबकि बाकी चार दिनों में सरकार वित्तीय कार्य और नए विधेयकों पर चर्चा करेगी। अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। सत्र के दौरान राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत बजट को विधानसभा से मंजूरी लेना आवश्यक है। इस सत्र में सरकार अपने काज को निपटाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। छात्रों को माता पिता के नाम और अन्य विवरण अंग्रेजी वर्ण में नहीं भरने को कहा है, अन्यथा रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों का विलंब शुल्क जमा होने के बावजूद किसी कारणवश आवेदन नहीं भराया है, तो वैसे विद्यार्थियों का आवेदन 29 अक्टूबर यानी आज तक भरा जा सकता है। बेनामी नाम और डमी आंकड़े भरने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं व्यावसायिक विषयों के चयन के लिए चिन्हित विद्यालयों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसमें सुरक्षा, ब्यूटिशियन, टूरिज्म और ऑटोमोबाइल जैसे विषय शामिल हैं। केवल इन विद्यालयों के छात्रों को व्यावसायिक विषयों का चयन करने की अनुमति होगी। दीपावली और छठ के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें कोटा, दानापुर, पटना, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, दौरन, मधेपुरा और कटिहार छपरा ट्रेन शामिल हैं। कोटा दानापुर स्पेशल गाड़ी संख्या 09803 09804 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी, जबकि पटना न्यू जलपाईगुड़ी गाड़ी संख्या 05739 05740 2 से 30 नवंबर तक हर शनिवार को संचालित होगी। कटिहार दौरन गाड़ी संख्या 07541 07542 दैनिक सेवाएं देगी। कटिहार छपरा गाड़ी संख्या 05744 05743 27 अक्टूबर से 28 नवंबर तक संचालित होगी। ये ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार की गई हैं। माँ सीता का जन्म स्थान जानकी कुंड मंदिर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर लगभग 100 साल पुराना है और नवरात्रि तथा रामनवमी के दौरान हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। यह स्थान महाकाव्य रामायण से जुड़ा है, जहां माँ सीता को राजा जनक द्वारा जमीन के अंदर पाया गया था। मंदिर में श्री राम, सीता और हनुमान जी की पूजा की जाती है। जानकी कुंड जहाँ माँ सीता स्नान करती थी पास में ही स्थित है। मंदिर का विशाल आंगन और बड़ा प्रवेश द्वार भक्तों का स्वागत करता है। यहाँ सालों भर भीड़ भाड़ी पड़ती है। बिहार सरकार युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अब तक 26 लाख से अधिक युवा कुशल युवा प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपने करियर की ओर एक सफल कदम बढ़ा चुके हैं। अब आपकी बारी है। नवंबर 2024 बैच के लिए प्रवेश शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए 20 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगा। नामांकन की प्रक्रिया आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के जरिए कर सकते हैं। आपको बताते चले कि कुशल युवा कार्यक्रम यानी KYP आर्थिक हल, युवाओं को बल नामक 7 प्रतिबद्धताओं में से एक का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से BSDM का उद्देश्य बिहार के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। बिहार में जहां आवासीय विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां अल्पसंख्यक छात्रावासों के संचालन के लिए वक्फ भूमि का उपयोग किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को इसकी कार्रवाई का निर्देश दिया है। जहां सरकारी भूमि उपलब्ध है वहां दाखिल खारिज कराने का भी आदेश दिया गया है। विभाग ने छात्रावासों में खाली स्थान भरने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों का चयन करने का भी निर्देश दिया है। बता दें, छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रति माह 1,000 रुपये, 9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं आवंटित किया जाएगा, जिससे उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।
बीपीएससी अपनी परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत आज मंगलवार को शिक्षकों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 30 से अधिक शिक्षक को आमंत्रित किया गया है, जिनमें कोचिंग संस्थानों के शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है लेकिन सरकार के कोचिंग एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करने की घोषणा की है, जिसे लेकर छात्रों का विरोध है। बैठक में आयोग की लंबित परीक्षाओं और परिणामों पर भी चर्चा होगी। शिक्षकों द्वारा छात्रों की चिंताओं जैसे परीक्षा परिणाम में देरी और पेपर लीक मामलों को उठाने की उम्मीद है। बैठक आज शाम 4 बजे निर्धारित है। बिहार सरकार ने टीबी मरीजों के लिए टीबी आरोग्य साथी ऐप विकसित किया है, जिससे मरीज अपनी रिपोर्ट और बीमारी से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप NTEP के तहत पंजीकृत रोगियों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंचने का माध्यम है। मरीज निश्चय योजना की राशि, दवा की जानकारी, टीबी जांच व उपचार की नज़दीकी सुविधाओं का पता लगा सकते हैं। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी का निःशुल्क इलाज और दवाइयां उपलब्ध हैं। जागरूकता अभियान के तहत टीबी के लक्षणों की पहचान के लिए बलगम की जांच की जाती है। मरीज इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फतुहा, पटना सदर, धनरुआ और पुनपुन में जमाबंदी की आधार सीटिंग की संख्या कम रहने पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने संबंधित अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने निर्देशित किया है कि दाखिल, खारिज और परिमार्जन के मामलों में कोई भी लंबित आवेदन समय सीमा के बाद नहीं रहना चाहिए। डीएम ने बताया कि वर्तमान में 45,272 दाखिल खारिज मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,682 आवेदन 35 दिन से और 30,526 आवेदन 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने सभी DCLR को साप्ताहिक निरीक्षण करने और अंचलाधिकारियों की सराहना की, जबकि लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। किसानों की सुविधा और खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार प्रखंड कृषि अधिकारियों को अधिक स्वतंत्रता और शक्ति देने जा रही है। अब BAO के नियंत्री अधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी नहीं होंगे, यानी BDO नहीं होंगे, बल्कि जिला कृषि अधिकारी बनाए जाएंगे। यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग की स्वीकृति के बाद ग्रामीण विकास विभाग से सुझाव मांगा गया है। वर्तमान में BAO को उपेक्षित रखा गया है, जबकि ग्रामीण विकास अधिकारी और राजस्व अधिकारी को राजपत्रित किया गया है। इसके अलावा बिहार राजस्व सेवा संघ ने DCLR और भू अर्जन पदाधिकारी के पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती का विरोध किया है और सरकार को ज्ञापन देने की योजना बना रहे हैं। धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी के लिए सही जानकारी होना आवश्यक है। ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ ज्वेलरी का वजन, मेकिंग चार्ज और 3% GST का भुगतान करें। ज्वेलर्स द्वारा अतिरिक्त चार्ज जैसे पॉलिश वेट से बचें और हमेशा हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदें। सही दाम पर ज्वेलरी खरीदने के लिए वर्तमान सराफा बाजार का भाव जानें। ज्वेलरी के साथ हमेशा पक्का बिल लें ताकि भविष्य में शिकायत करने में आसानी हो। निवेश के लिए सोने के सिक्के खरीदना बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज नहीं और बिक्री पर पूरा वजन मिलता है। इन सभी झंझटों से बचना चाहते हैं तो आप किसी भरोसेमंद ब्रांड की ओर रुख करें, यहाँ ठगे जाने की संभावना कम होती है। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 60,000 प्लस, जबकि 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 80,000 प्लस रहने की संभावना है। बिहार में चक्रवाती तूफान नाना का प्रभाव जारी है, जिसके कारण 20 जिलों में अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना है। ओडिशा में बने कम दबाव के कारण पूर्वा हवा चल रही है, जिससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दाना अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन तापमान में गिरावट 31 अक्टूबर के बाद ही होगी। पिछले 3 दिनों से बारिश और हवा के कारण वातावरण में ठंड बढ़ गई है, जिससे बीमार और बुजुर्गों की स्थिति खराब हो रही है। कई जगहों पर कीचड़ और गंदगी ने बाजार में दिक्कतें बढ़ा दी है। देश की प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी का गया जिले के परैया प्रखंड के दखनेर गांव में 1 सप्ताह तक चलने वाली भागवत कथा का आयोजन तय हो गया है। यह कार्यक्रम 2 से 8 फरवरी तक होगा और इसके लिए लगभग 1,00,000 स्क्वायर फुट में पंडाल तैयार किया जाएगा। युवा समाजसेवी प्रिंस कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी पहले से शुरू हो गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मालूम हो कि जया किशोरी की कथा देश विदेश में लोकप्रिय है और उनके सोशल मीडिया पर भी अच्छी फैन फॉलोइंग है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में बीते दिन एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में संकल्प लिया गया कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए 220 से अधिक की सीटें जीतेगा। पंचायत स्तर पर भी कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जदयू के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विकास और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की। वहीं आगामी उपचुनाव और चुनावी रणनीतियों पर बैठक में विचार विमर्श हुआ। प्रशांत किशोर ने बीते दिन तरारी विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन पिछले 35 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह राज्य मजदूरों की धरती बन गया है। किशोर ने जनता को चेताया कि वोट देते समय उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए, न कि जाति और धर्म के बंधनों में बंधकर रहना चाहिए। उन्होंने जनसुराज को विकल्प बताया, जिसका उद्देश्य एक साल में पलायन को रोकना है। उन्होंने स्थानीय नेताओं की नाकामी पर भी जोर दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की आलोचना हो रही है, जबकि शिखर धवन ने रोहित का समर्थन करते हुए कहा कि 12 साल में पहली बार घर पर सीरीज हारने के बाद उन पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, हार जीत खेल का हिस्सा और रोहित को एक महान कप्तान बताया। पहले टेस्ट में भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे टेस्ट में कीवी टीम ने 113 रन से जीत हासिल की। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीती है और अब आखिरी टेस्ट 1 नवम्बर से मुंबई में होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के ही दिन 1851 में बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। दिल्ली में दीपावली के 2 दिन पहले व्यस्त इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाकों में 62 लोगों की मौत हुई। 2012 में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए इंग्लैंड के मौजूदा चैंपियन और स्थानीय प्रबल दावेदार माइक रसेल को हराकर 7वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। और आज ही के दिन 1985 में विजेंद्र कुमार सिंह भारतीय बॉक्सर का जन्म हुआ था। और आज के दिन 2020 में श्यामा चरण पति छऊ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले नर्तक का निधन हुआ था। इस दिवाली फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल में 20,000 रुपए के बजट में कई स्मार्टफोन्स पर बम्पर छूट मिल रही है। प्रमुख विकल्पों में रियलमी P2 Pro 5G है, जिसमें 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 50MP कैमरा और 5200mAh बैटरी है, जिसकी कीमत 19,999 रुपये है। Moto G85 5G में 12GB रैम और 50MP कैमरा है, ये अब 16,999 रुपये में मिल रहा है। Poco X6 Pro 5G की 19,999 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें 64MP कैमरा है। नथिंग फोन 2A 5G की कीमत 20,249 रुपये है और इसका डिज़ाइन बेहद यूनिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर, स्वास्थ्य बीमा शुरू करेंगे। इस योजना का लाभ लगभग 6 करोड़ नागरिकों को मिलेगा, जिसमें हर व्यक्ति 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेगा। दिल्ली, ओडिशा और बंगाल को छोड़कर योजना 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। इसके साथ ही टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल भी शुरू होगा, जो गर्भवती महिलाओं और 17 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताते हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा और एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आज का दूसरा सवाल है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी इस्लाम शाह ने, ऑप्शन डी मोहम्मद जायसी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आज का तीसरा सवाल है, महाबोधि मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी राजगीर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बोधगया में। आज का चौथा सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कर्ज की सीमा बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 20 लाख रुपए, ऑप्शन बी 10 लाख रुपए, ऑप्शन सी 30 लाख रुपए, ऑप्शन डी 40 लाख रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 लाख रुपए।
आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, जर्मनी ने भारत के कुशल कामगारों के लिए वीजा की संख्या बढ़ाकर कितनी की है? ऑप्शन ए 80,000, ऑप्शन बी 90,000, ऑप्शन सी 1,00,000, ऑप्शन डी 1,50,000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 90,000। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पवन कुमार, राजकुमार, बेबी कुमार, गुरुकुल, परशुराम सिंह, सूरज कुमार, राहुल शर्मा, मोतीलाल कुमार, बाबूलाल मरांडी, रवि कुमार, राकेश मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, शशिभूषण यादव, नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपकी दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।